हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल राजीव फनी क्लास पर। दोस्तों, आज मैं टॉपिक है सेंटेंस। तो अगर आपको सेंटेंस सीखना है, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीखेंगे सेंटेंस होता क्या है, इसके कितने पार्ट है, इसके कितने प्रकार है, कौन कौन से सेंटेंस बनाए जाते हैं। आज हम सभी इसी वीडियो में देख लेंगे सेंटेंस के बारे में क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। चलिए करते हैं हम स्टार्ट सेंटेंस की क्लास। चलिए हम से सीखेंगे सेंटेंस में। तो स्टार्ट करने देखिए सेंटेंस क्या है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ए सेंटेंस इज ए सेट ऑफ वर्ड कंप्लीट इन इटसेल्फ कंटेनिंग ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। यानी इसमें जो एक सेंटेंस हो, जैसे कोई भी सेंटेंस है, उसमें जैसे कोई भी सेंटेंस हो गया, सुनीता डांसेस ब्यूटीफुली, तो इसमें आपका आ जाता है सुनीता, ये आपका आ जाता है, इसमें सुनीता हो गया ये सब्जेक्ट, और डांसर ब्यूटीफुली प्रेडिकेट हो गया। ये सब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहलाते हैं। यानी एक ही सेंटेंस हो और उसमें आधा होता है सब्जेक्ट और आधा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, और क्या है, एंड कन्वेइंग ए स्टेटमेंट एक्सक्लेमेशन और कमांड। तो यानी ये जो सेंटेंस है, इसमें तीन तरह के सेंटेंस में बनाए जाते हैं, एक स्टेटमेंट, सेकंड एक्सक्लेमेशन, और थर्ड कमांड में बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके तीन प्रकार हैं, इसी तीनों में बनाए जाते हैं। चलिए ये भी आपको पता चल गया, चलिए ये मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको इतना बड़ा याद नहीं होता है सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड कंप्लीट इन इटसेल्फ कंटेनिंग ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड कन्वेइंग ए स्टेटमेंट एक्सक्लेमेशन और कमांड, इतना बड़ा अगर आपको याद नहीं होता तो आप याद रखिए, क्या याद रखिए, ए सेंटेंस इज ए वर्ड विच मेक ए कंप्लीट सेंस। ए सेंटेंस इज ए वर्ड विच मेक ए कंप्लीट सेंस, बस इतना याद रखिए। तो ये आपका सेंटेंस का जो वर्ड इज सेंटेंस, तो इसका सेंटेंस का आंसर हो गया ए सेंटेंस इज ए वर्ड विच मेक ए कंप्लीट सेंस। चलिए यही इतना शॉर्ट याद रख सकते हैं, ये भी सही है आपका, ये भी सही है। तो ये थोड़ा लंबा है और वो थोड़ा शॉर्ट में है, अच्छे से याद हो जाएगा, वही याद रखिए। ठीक है, चलिए तो ये मैं आपको बता दिया। तो इसमें पहले देखेंगे इसमें क्या है, कन्वेइंग ए स्टेटमेंट एक्सक्लेमेशन और कमांड। यानी यही जो तीन इसके पार्ट है, इसी में आपका ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। इन्हीं तीनों के आधार पर सेंटेंस बनाया जाता है, इन्हीं तीनों में बनता है। जैसे देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट आ जाता है आपका, फर्स्ट आ गया आपका स्टेटमेंट। ठीक है, सेकेंड एक्सक्लेमेशन, तो हम लिख लेते हैं सेकेंड आपका हो जाता है एक्सक्लेमेशन। थर्ड इसका जो पार्ट है वो आ जाता है, और ये थर्ड आ गया कमांड, लिख लेता हूँ कमांड। महत्वपूर्ण है, इन्हीं में सेंटेंस बनाए जाते हैं, क्या इन्हीं में सेंटेंस बनाए जाते हैं, एक स्टेटमेंट, दूसरा एक्सक्लेमेशन, थर्ड कमांड, इन्हीं में सेंटेंस। जैसे इसमें लिख लेता हूँ, एक एक सेंटेंस लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा अच्छी तरह से। पहले लिख लेते हैं सेंटेंस स्टेटमेंट का, एक्सक्लेमेशन का, कमांड का, इन्हीं तीनों में सेंटेंस बनाया जाता है सेंटेंस का, यही तीनों जैसा ही सेंटेंस बनता है सेंटेंस में। तो चलिए लिख लेते हैं एक एग्जांपल, उसके बाद आपको अच्छे से समझाता हूँ। चलिए लिख लिया है सेंटेंस, क्या है सेंटेंस देखिए, ये स्टेटमेंट का भी सेंटेंस, फर्स्ट द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये आपका सेंटेंस हो जाता है। यानी द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी होता क्या है, सूर्य पूर्व की दिशा में उगता है, सूर्य पूर्व की दिशा में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। और अब ये आपका आ जाता है, ये स्टेटमेंट का सेंटेंस है ऐसा ही, और इसी के तरह और भी सेंटेंस है वो हम देखेंगे। अब एक्सक्लेमेशन, इसमें आ जाता है क्या, यू आर एडोरेबल, आप पूजनीय हो, क्या है, आप पूजनीय हो, यू आर एडोरेबल, तो इसमें आपका एक्सक्लेमेशन मार्क का लगा है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है, और ऐसे भी सेंटेंस है उसमें भी लगाया जाता है। और देखिए अब ये आपका एक्सक्लेमेशन का हो गया। थर्ड कमांड है, तो देखिए मैं बता दूं, मेरी वीडियो है पंचुएशन मार्क, देख लीजिए, इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको वह वीडियो मिल जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में आपको पंचुएशन मार्क। अब एक कमांड यानी देखिए क्या है, इसमें सेंटेंस लीव अस अलोन,
हमें अकेला छोड़ दो, लीव अस अलोन, हमें अकेला छोड़ दो। तो ये सेंटेंस हो गया कमांड का, ठीक है। चलिए तो ये मैंने बता दिया, इन्हीं तीनों में सेंटेंस बनाए जाते हैं, सेंटेंस के स्टेटमेंट, एक्सक्लेमेशन और थर्ड कमांड। चलिए ये पता चल गया। अब इसमें बात है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की। तो सब्जेक्ट यहां पर लिखते हैं हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, चलिए ये लिख लिया हूं सब्जेक्ट, देख लीजिए सब्जेक्ट। और ये सेकंड, सेकंड हो गया आपका प्रेडिकेट, ठीक है, प्रेडिकेट। चलिए तो हम ले लेते हैं सेंटेंस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के सेंटेंस लेते हैं। उसके बाद आपको बताऊंगा कौन सा सेंटेंस, एक ही सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट भी होता है प्रेडिकेट भी होता है। चलिए लेते हैं सेंटेंस, लिख लेते हैं बोर्ड पर, उसके बाद आपको बताऊंगा अच्छे तरह से कौन सेंटेंस में सब्जेक्ट है, कौन सेंटेंस में प्रेडिकेट, ठीक है। चलिए देखते हैं, लिख लिया सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस है, देखिए सब्जेक्ट में क्या है सेंटेंस, सुनीता, ये देख लीजिए, ये नहीं समझिएगा कि ये सब्जेक्ट का है ये प्रेडिकेट का है, दोनों एक ही सेंटेंस है, एक एक सेंटेंस है। और इसमें हमको पता करना है सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है, यानी एक ही सब्जेक्ट एक ही सेंटेंस है और उसमें आधा है आपका सब्जेक्ट और आधा प्रेडिकेट। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस, सुनीता डांसेस ब्यूटीफुली, सुनीता बहुत सुंदर नाचती है, सुनीता डांसेस ब्यूटीफुली। तो इसमें हमको सब्जेक्ट पता करना है और इसमें प्रेडिकेट, यानी सेंटेंस एक सेंटेंस हुआ सुनीता, ये सुनीता एक सेंटेंस हुआ, यानी ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। और देखिए क्या है, डांसेस ब्यूटीफुल्ली, क्या है डांसेस ब्यूटीफुल्ली, बहुत सुंदर डांस करती है, बहुत अच्छी नाचती है। तो यानी और ये आगे वाला सेंटेंस, इधर पीछे वाला ये सेंटेंस हो गया, ये हो गया आपका प्रेडिकेट, यानी ये सुनीता हो गया एक सब्जेक्ट सेंटेंस और डांसेस ब्यूटीफुल्ली हो गया एक प्रेडिकेट सेंटेंस, ठीक है। तो चलिए ये पता चल गया, दोनों अलग अलग एक ही सेंटेंस में दो दो हमको पता करने रहते हैं, कौन सा हो जाता है सब्जेक्ट, कौन सा हो जाता है प्रेडिकेट। ये तो था नाम का सब्जेक्ट, नाम का सेंटेंस, इसमें हमने पता कर लिया। अब अगर ऐसा सेंटेंस रहे प्रेड, ये आपका ऐसा सेंटेंस रहे, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द डॉग इन दिस हाउस बार्क एट ओनली नाइट, द डॉग इन ओनली नाइट, इस घर के कुत्ते सिर्फ रात को ही भौंकते हैं, इस घर के कुत्ते सिर्फ रात को ही भौंकते हैं, यानी एक सेंटेंस हुआ इस घर के कुत्ते। तो the dog in this house, तो ये सेंटेंस हुआ हमारा सब्जेक्ट, और bark at night, और सिर्फ क्या करते हैं, क्या सिर्फ रात को ही भौंकते हैं, तो ये हो गया हमारा प्रेडिकेट, इस घर के कुत्ते एक सेंटेंस, the dog in this house एक सेंटेंस, यानी ये सब्जेक्ट हुआ, और bark at only ये सब्जेक्ट हमारा प्रेडिकेट में आ जाता है। चलिए तो ये भी मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट कौन क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छी बात है समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं इनके, ये मैंने बताया क्या, ये आपको पहले देख लीजिए, ये मैंने बताया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसमें मैंने ये सेंटेंस है इसका दो पार्ट बताए, इसका ये टू पार्ट्स हैं, जो ये इसके टू, ये आपके जो टू पार्ट्स हैं यही हैं इसके बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, देख लीजिए ये, यानी ये नहीं बता रहा हूँ मैं, जैसे शुरुआत में बताया था इसके पार्ट भी बताऊंगा, इसके प्रकार भी बताऊंगा, काइंड भी बताऊंगा, यानी मैंने आपको अभी बताए पार्ट, पार्ट बताए, यानी सेंटेंस के दो पार्ट हैं जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आ जाता है, लेकिन ये मैंने मेन जो नहीं बताया अब बताऊंगा, वो बताऊंगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कितने तरह के होते हैं सेंटेंस। तो ये मैंने पार्ट बताया इसके पार्ट, लेकिन अब काइंड ऑफ सेंटेंस प्रकार बताऊंगा। तो सेंटेंस के कितने प्रकार हैं, फाइव, कितने पांच, कौन कौन से, चलिए देखते हैं। फर्स्ट, फर्स्ट आपका कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है आपका कौन सा सेंटेंस का फर्स्ट आ जाता है आपका ये असर्टिव, सेकंड इंपरेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव, फोर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और फाइव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये पांच इसके प्रकार हैं। तो चलिए इस बोर्ड को मिटाते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से बताऊंगा, इस बोर्ड को मिटा लेते हैं स्पेस लेने के लिए, उसके बाद हम यहाँ पर लिख के अच्छे से समझाएंगे आपको। चलिए बोर्ड को मिटा लिया है, देखिए अब हम लिखेंगे इसके पार्ट, इसके पांच प्रकार के हैं सेंटेंस के, तो हम लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर सेंटेंस, चलिए लिख लेते हैं सेंटेंस, सेंटेंस लिख लेने के बाद आपको बताऊंगा,
ये हमने सेंटेंस लिख लिया है, इसके 5 पार्ट्स हैं, इसके 5 प्रकार हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 5। फर्स्ट आप मैंने बता दिया था असर्टिव, इंपरेटिव, और आपका आ जाता है थर्ड इंटरोगेटिव, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी, और 5 आपका आखिरी जो आ जाता है वो है, बता दिया था 5 जो वो नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। चलिए तो हम पहले यहाँ पर लाइन बाई लाइन लाइन हम खींच लेते हैं 5। चलिए तो अब हो जाएगा। तो इसके फर्स्ट पार्ट सेंटेंस के पहला प्रकार है वो है आपका असर्टिव, असर्टिव। तो हम फर्स्ट लिखेंगे असर्टिव, चलिए असर्टिव, ठीक है असर्टिव। चलिए ये आपका फर्स्ट बनता है असर्टिव सेंटेंस, सेंटेंस। चलिए तो फर्स्ट आपका बन जाता है असर्टिव सेंटेंस। अब सेकेंड आ जाता है इंपरेटिव सेंटेंस, सेकेंड इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है इंपरेटिव सेंटेंस। चलिए हम लिख लेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। अब थर्ड आपका आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड आ गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये आपका आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए सेंटेंस भी लिख लेता हूं सेंटेंस। और 5 आ जाता है, ये सॉरी 4 आ जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिख लेते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए तो हमने लिख लिया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब यह आखिरी आपका जो 5 आ जाता है, 5, ठीक है हम 5 भी लिख लेते हैं, 5 नीचे यहाँ पर थोड़ा इधर ही लिख लेते हैं। चलिए 5 आपका आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस लिख लूंगा नेगेटिव सेंटेंस। चलिए तो यही हो जाता है इसके 5 पार्ट्स। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड इंपरेटिव सेंटेंस, थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और आखिरी 5 नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है नेगेटिव सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस समझिए। इसके सबके एक एक एग्जांपल भी लेंगे, उसके बाद आपको अच्छे से समझाऊंगा। चलिए तो पहले हम देखते हैं इनके, ये फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस जैसे देखिए इसमें किसका कौन सा सेंटेंस इसमें बनता है, जैसे यहाँ पर लिखा था स्टेटमेंट, एक्सक्लेमेशन और कमांड। तो असर्टिव सेंटेंस में फर्स्ट वाला बनता है यानी स्टेटमेंट का सेंटेंस। जैसे जो शुरुआत में बताया था जो सेंटेंस लिया था उन्हीं के तरह और भी सेंटेंस है, वह सेंटेंस आपके असर्टिव सेंटेंस में आ जाते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्या, ये देखिए स्टेटमेंट, तो इसमें लिख लेते हैं स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। चलिए स्टेटमेंट का इस सेंटेंस में प्रयोग होता है, और बस यही नहीं, और इस सेंटेंस में लास्ट एंड में एक सेंटेंस हो और लास्ट एंड सेंटेंस में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, ठीक है फुल स्टॉप, फुल स्टॉप समझते हैं, पॉइंट जैसा, बिंदा जैसा। तो देखिए मेरी एक वीडियो है पंचुएशन मार्क, जिसमें मैंने बताया ये फुल स्टॉप, सारे चीज मैंने क्लियर कर दिया, इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ देख लीजिएगा जाके। तो ये आपका फुल स्टॉप हो गया। असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट इसमें प्रयोग होता है, और स्टेटमेंट का सेंटेंस में होता है और इसमें फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। अब इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है देखिए, इसमें कमांड का प्रयोग होता है, क्या होता है कमांड, ये देख लीजिए इसमें, इस जैसे शुरुआत में बताया था कोई सेंटेंस लेके जो सेंटेंस लिया था उसी जैसा और भी सेंटेंस है, वह सेंटेंस आपके इस इंपरेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं सभी। और बस इतना ही नहीं, इसके लास्ट में एंड के, इसके देख लीजिए इसके एंड के लास्ट में क्या लगाया जाता है, चलिए ये जो आपका इंपरेटिव सेंटेंस है इसके लास्ट में, जैसे कोई जैसे एक सेंटेंस है और उसके जो शुरुआत होता है उसके लास्ट एंड में कौन सा चीज लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, फुल स्टॉप लगाया जाता है, पंचुएशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, और भी बहुत सारे, कौन सा लगाया जाता है, ये लगाया जाता है आपका, एक लगाया जाता है फुल स्टॉप, एक लगाया जाता है फुल स्टॉप, ठीक है एक फुल स्टॉप पॉइंट समझते हैं ना, फुल स्टॉप। और सेकेंड लगाया जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क,
ये एक्सक्लेम, ये देखिए जो यहाँ पर बताया था एक्सक्लेमेशन, ये नहीं समझिएगा, लेकिन इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क पंचुएशन मार्क में बताया था, एक पार्ट है पंचुएशन मार्क का। एक्सक्लेशन एक्सक्लेमेशन मार्क यानी उल्टा आई, इसे आप उल्टा आई कह सकते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कोई भी सेंटेंस हो कमांड का, ये इंपरेटिव में आता और जो लास्ट एंड में लगाया जाता है या फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क। चलिए तो ये भी मैंने बता दिया। अब आपका आ जाता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव देखिए बहुत ही खास है, क्या है इंट्रोगेटिव, तो इसमें जैसे इसमें इस सेंटेंस में क्या होता प्रयोग, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। ये देखिए इधर लिख ही देता हूं, क्वेश्चन मार्क। चलिए मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स लगाया जाता है, तो यानी क्वेश्चन मार्क समझते हैं ना। देखिए हम ले लेते हैं दूसरा मार्कर, देखिए क्वेश्चन मार्क समझते हैं ना, इस तरह का कुछ क्वेश्चन मार्क इस तरह का होता है। चलिए आपको पता चल गया, यानी जैसे कोई सेंटेंस, जैसे भी कोई सेंटेंस हुआ, वेयर इज जी, वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर नेम, ये सब सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। यानी इसमें जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल व्हाट, जैसे व्हेन, जैसे हाउ, जैसे वेयर, इन सब का आपका प्रयोग होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। किसमें? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो ये आपको याद रखना। चलिए तो ये भी मैंने आपको बता दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए तो ये इंट्रोगेटिव हो जाता है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। इंड में व्हाट इज योर नेम, तो लास्ट में लगाया जाता है क्वेश्चन, यानी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, इन सब का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। अब फोर्थ आ जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या आ जाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझिए, इसमें लगाया जाता है आपका एक्सक्लेमेशन, ठीक है, एक्सक्लेमेशन का प्रयोग होता है सेंटेंस। यानी ये देखिए एक्सक्लेमेशन है ना, तो इन्हीं का प्रयोग होता है इसमें, किसमें? एक्सक्लेमेशन में, इसमें एक्सक्लेमेशन में, और इसमें लास्ट एंड में लगाया जाता है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। दोनों ही एक्सक्लेमेशन ही है, लेकिन इसमें एक होता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एक होता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स और एक एक्सक्लेमेशन, वो होता है ये, वो होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पार्ट, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये समझ गए होंगे। चलिए समझ गए होंगे एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है। तो इसमें हमको एक्सक्लेमेशन मार्क जैसा उल्टा आई, ये भी सेंटेंस में उल्टा आई लगाया जाता है, यानी कोई भी सेंटेंस हो एक्सक्लेमेशन मार्क का, तो लास्ट एंड में लगाया जाता है ये एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। और इसमें कौन सा सेंटेंस? एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, जैसे शुरुआत में बताया था उन्हीं के तरह, उन्हीं जैसा और बहुत सारे सेंटेंस है, वो सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आ जाते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप समझ लें। अब आखिरी जो ये मेन पॉइंट है, ये आपका मेन पार्ट, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी मेरी वीडियो देख लीजिए टेंस, उसमें मैंने बताया सारे क्लियर कर दिए, 6 महीने का कोर्स कुछ मिनटों से बाद 3 पार्ट बना दिए, टेंस पार्ट 1, टेंस पार्ट 2, टेंस पार्ट 3, तो वो वीडियो देख लीजिए, आपको इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो तीनों वीडियो, तो वहां जाके आप डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आप देख सकते हैं। यानी समझिए ये नेगेटिव सेंटेंस, तो उसमें मैं बता दिया हूँ, ये मैं बता दिया हूँ उसमें असर्टिव, और ये असर्टिव सेंटेंस होता है ना, ये देखिए सॉरी अफर्मेटिव, फर्स्ट अफर्मेटिव में बताया, सेकंड नेगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव और फोर्थ नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी सभी के हमने चार चार बताए टेंस में, तो देख लीजिए वीडियो जाके अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए तो ये है नेगेटिव सेंटेंस। इसमें नेगेटिव सेंटेंस में यानी नहीं का प्रयोग, नेगेटिव सेंटेंस में जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल नो, नो, नॉट, नेवर, कभी नहीं, नो नहीं, नो नहीं, नो नहीं, नॉट नहीं, नेवर कभी नहीं, तो ये सब का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है। जो नेगेटिव सेंटेंस नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये सब आपका सेंटेंस इसमें आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। तो चलिए ये भी पता चले। अब चलिए इन सभी के एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एक सेंटेंस लेते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझाऊंगा क्या क्या कैसे बनाए जाते हैं इसके सेंटेंस। चलिए लेते हैं उन वो सभी सेंटेंस, चलिए ले लेते हैं, लिख लेते हैं बोर्ड पर। चलिए हमने ले लिया एक एक एग्जाम्पल, देखिए कौन कौन सा एग्जाम्पल, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल असर्टिव सेंटेंस का क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूर्व की दिशा में उगता है,
द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व की दिशा में उगता है, तो ये आपका सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। और इसमें फुल स्टॉप भी लगा है, देख लीजिए फुल स्टॉप लास्ट एंड में लगा है हम सेंटेंस, द सन राइजेज इन द ईस्ट फुल स्टॉप लगा दिए लास्ट सेंटेंस में, तो यही होता है असर्टिव सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब आ जाता है इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस, देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में है क्या, देखिए इंपरेटिव सेंटेंस कमांड फुल स्टॉप का प्रयोग तो होता है क्या, प्लीज लेट मी पास, प्लीज लेट मी पास, कृपया मुझे जाने दो, प्लीज लेट मी पास, कृपया मुझे जाने दो, यानी देखिए जैसे इसमें फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है, तो हमने इसमें प्लीज लेट मी पास, तो इसमें हमने फुल स्टॉप का प्रयोग किया ये, और ऐसे सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क का भी सेंटेंस होता है, तो मैंने सिर्फ इसमें फुल स्टॉप का ही प्रयोग किया है, और एक्सक्लेमेशन मार्क का भी प्रयोग होता है, ठीक है। प्लीज लेट मी पास, कृपया मुझे जाने दो, ये होता है सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस, और ये कमांड का सेंटेंस है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसमें प्रयोग किसका हुआ, क्वेश्चन मार्क, तो इसमें व्हाट मैन हाउ, देखिए क्या है सेंटेंस, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, क्या तुम्हारा नाम क्या है, तो इसमें हमने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया, जैसे वेयर डू यू लिव, ये सब हम प्रयोग कर सकते हैं, हाउ आर यू, ये सब हमने प्रयोग करते हैं, यही सब सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जो सेंटेंस का तीसरा पार्ट है। चलिए तो मैंने बता दिया, अब ये फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सेंटेंस लेते हैं, देखिए क्या है, हाउ ब्यूटीफुल दिस हाउस इज, हाउ ब्यूटीफुल दिस हाउस इज, यानी कितना सुंदर यह घर है, कितना सुंदर है यह घर, ठीक है, कितना सुंदर है यह घर, हाउ ब्यूटीफुल दिस हाउस इज, तो हमने इसमें इसमें क्वेश्चन मार्क, इसमें फुल स्टॉप, इसमें भी फुल स्टॉप, तो अब ये इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है, तो हमने सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया, यानी उल्टा ही, हाउ ब्यूटीफुल दिस हाउस इज, कितना सुंदर है यह घर, तो हमने ये प्रयोग किया, यही होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस, देखिए स्पेस नहीं पता तो मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया, तो आपको समझा दूंगा, देखिए क्या है, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, तो अच्छे से लिख देने के लिए नीचे लिख देते हैं जरा, प्लीज प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, देखिए हम यहाँ पर ले लेते हैं डिस्टर्ब मी, चलिए तो हमने लिख दिया, यहाँ से भी लिख सकते हैं, देख लीजिए क्या है, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, ये आपका नेगेटिव का सेंटेंस है, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, कृपया मुझे परेशान मत करो, प्लीज मुझे परेशान मत करो, कृपया मुझे परेशान मत करो, तो हम यही कहते हैं, तो इसमें हमने नॉट का प्रयोग किया, नॉट का प्रयोग किया, डू के साथ नॉट का प्रयोग किया, तो ये आपका पास्ट पास्ट सेंटेंस पास्ट टेंस में आ जाता है सेंटेंस, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, कृपया मुझे परेशान मत करो, तो यही होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो मैंने आज आपको सेंटेंस बताया, दी सेंटेंस, जिसमें मैंने सेंटेंस के पूरे पार्ट बताए, इसके काइंड बताए, इसके कौन कौन से सेंटेंस बनते हैं, ये सब मैंने आज पूरा कर दिया। इसमें एक सेंटेंस में कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, सब्जेक्ट इंपरेटिव और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये मैंने बताया। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट करिए, ऐसी वीडियो अच्छी तो हम आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे, हमेशा ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आज आपको सेंटेंस बताए, इसमें काइंड, इसके पार्ट, इसके सब चीज़ बताए इसमें, तो आशा करता हूँ यही वीडियो में हमने आज पूरा टोटल ये पूरा कर दिया सेंटेंस, पूरा चैप्टर आज हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकना, ठीक है, ले लीजिए।